समलैंगिकों के लिए रक्तदान पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट से LGBTQ+ समुदाय को रक्तदान की इजाजत देने की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 2017 के नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता शरीफ रंगनेकर ने यह याचिका दाखिल की है। तो एक अहम खबर आपको बता दें, LGBT समुदाय की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और जो उनके लिए रक्तदान को लेकर रोक लगाई गई है उसके खिलाफ ये याचिका है। सुप्रीम कोर्ट से LGBTQ+ समुदाय को रक्तदान देने की इजाजत की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय रक्तदान परिषद और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 2017 के नियमों की संवैधानिक वैधता को इसमें चुनौती दी गई है। सीधे हम रुख करेंगे, शरीफ साहब खुद हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अपनी याचिका में शरीफ जी आपने कहा क्या है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? काफी आप मुझे सुन पा रहे हैं शरीफ जी? हाँ जी, थोड़ी hardly here. शरीफ जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपनी याचिका में किन बातों को आपने रेज किया है, कौन से बिंदु हैं जिनको आपने आधार बनाया है? मेरे खास तो मैं 3-4 पॉइंट्स है इस पिटिशन में जी। एक तो ये पूरा जो लॉ है 2017 में आई थी, ये लॉ इज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब हमें अनइक्वल सिटीजन माना जा रहा है, जबकि 377 भी रेट डाउन हुआ था सितंबर 2018 में। और दूसरा चीज है कि एक तरह से जो लॉ है और जो स्थिति बनाई गई है कि हम लोग अनटचेबल है, जैसे कि हम लोग इम्प्योर लोग है, कि माय ब्लड इज नॉट प्योर इनफ टू डोनेट और टू गिव टू एनीवन एल्स। नाउ दीज आर टू मेजर पॉइंट्स। जी, एक चीज आपको ये देखनी है कि ये जो लॉ, जैसे यूएस में, यूके में बहुत साल पहले इन दी 80s में ऐसे लॉ लागू हुई थी जब एड्स की एपिडेमिक थी, और तब भी कई लोग थे जो बोल रहे थे कि ये डिस्क्रिमिनेटरी थी। पर ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स, 5 to 10 years, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव रिमूव्ड any such subjective biased law against communities such as। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ जी हमसे बातचीत करने के। तो मुख्य याचिका का आधार आपका यह है कि ये भेदभावपूर्ण कानून है, इसलिए इसकी आपने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।